बहुत पहले हमने एक पोएम में ये पढ़ा था कि जो ग्रेवियार्ड्स के पेड़ होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं बिकॉज दे हैव बीन नरिश्ड फ्रॉम द सोल्स ऑफ द डेड। और आज हम रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स में ऐसे ही वॉक कर रहे थे इस रोड के ऊपर, और पता नहीं क्यों सुबह सुबह हम इन चार पेड़ों को देख के वहीं पर रुक गए। और ये पेड़ हमें इतने ज़्यादा अमेजिंग और इतने ज़्यादा एक सेरीन लगे कि हम खड़े होके बस इनको देखने लगे। तो ये जो चार पेड़ हैं, हमें सच में नहीं पता इसकी हिस्ट्री के ये कितने पुराने हैं, बट पता नहीं इनको देख के ऐसा एक अलग सा फील आया कि इन पेड़ों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। क्योंकि जहाँ पे ये पेड़ खड़े हैं उसके जस्ट सामने हमारा रेजिडेंसी का मेन कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत मुमकिन है कि इन पेड़ों ने जंग आज़ादी भी देखी हो और इन पेड़ों ने जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का रेजिडेंसी के ऊपर कब्ज़ा करना भी देखा हो। और बहुत मुमकिन है कि इन पेड़ों ने जो है वो 1857 की रिवोल्ट के बाद जो वापस से कैप्चर करी अंग्रेज़ों ने रेजिडेंसी, और जो कत्लेआम हुआ हमारी स्वतंत्रता सेनानियों का, वो भी इन पेड़ों ने देखा। अब बिल्कुल मुझे नहीं पता कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे जब मॉर्निंग में वॉक करने आया था तो मेरा कोई प्लान था इस वीडियो का, बट जिस तरीके से ये चार पेड़ खड़े हुए हैं इस रेजिडेंसी की मेन बिल्डिंग के सामने, और वहाँ पे हमारा भारत का झंडा लगा है जहाँ पे पहले अंग्रेज़ी हुकूमत का यूनियन जैक का फ्लैग वहाँ पे जो है लगा हुआ करता था, तो पता नहीं ऐसा एक एहसास हुआ अपने आप हमें कि इन पेड़ों ने बहुत कुछ देखा है और ये पेड़ गवाही दे रहे हैं उस जंग आज़ादी की, हमारी फ़र्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, और उस इस रेसिडेंसी, इस खूबसूरत रेसिडेंसी कॉम्प्लेक्स में हुई जो यहाँ पे लड़ाई हुई थी और जो यहाँ की एक स्टोरी है उसकी ये चार पेड़ गवाही दे रहे हैं। ऐसा हमें अपने आप एक फील हुआ और इसीलिए हम यहाँ पे रुक गए और इन पेड़ों को देखने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।